भगवान को जिस हिसाब से मानते हैं मोदी जी को हम उसी हिसाब से मानते हैं। मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा लगा और काम भी अच्छा कर रहा है, वो बढ़िया काम कर रहा है, हम लोग को बहुत पसंद है। मोदी ने जितना सुविधा दिया भारतवासियों को उतना अभी तक कोई नहीं दिया है, न दे सकता है। अब की जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो भ्रष्टाचारी को जो पैसा रुपया मंत्री मंत्री सब कमाते हैं देश का लूट करके उसके ऊपर बहुत कड़ा प्रहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुमका एयरपोर्ट मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और अब जनसभा जो वो खत्म हो गई है और देखेंगे तो लोगों का हुजूम जो है अब उनकी रैली से जो जनसभा था उस स्थल से वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। यहां हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के बाद कितना उत्साहित है, कितना उत्साह है और क्या कुछ देखने को मिला प्रधानमंत्री के भाषण में। प्रधानमंत्री के भाषण में जो है लेकिन वो पहले जो वादा किया वो सब पूरा नहीं किया है, फिर भी बोल रहा है, जुमलाबाजी कर रहा है, ज्यादा कुछ तो करता नहीं, सिर्फ जुमला करता है। पहले बोला रोजगार देंगे, रोजगार मिला नहीं, 15 लाख का नौकरी। आए हुए थे आज जनसभा में? आए हुए थे जनसभा, प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, देख लिए, बस जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ नया इस बार था भाषण में? नया इस बार हुआ कि आदिवासियों के लिए लाखों लाख घर बनाया जाएगा और सबों को राशन दिया जाएगा, पुल पुलिया और कारखाना आदि, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि बनाया जाएगा। आवास तो अबुआ आवास के नाम से राज्य सरकार दे रही है तो मोदी भी कहे प्रधानमंत्री आवास मोदी जी हम लोग को गारंटी देने के लिए बोले हैं, गांव में जाके जनता के पास गारंटी है, घर नहीं है वो जाके हम लोग अभी गारंटी देंगे और उखाड़ के फेंकेंगे हम सरकार। रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पकड़ रहा है मोदी। मोदी जितने बात चाहता है इससे और कार्रवाई तेज होगी। रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कुछ, प्रधानमंत्री ने बहुत रोजगार किया है मोदी सरकार, बहुत देने वाला है, आवाज दे रहा है, बिजली का जोड़ा और सबको राशन दे रहा है, मुफ्त में बिजली दे रहा है, इसलिए मोदी जीतेगा, जीतेगा 100% जीतेगा। से 14 सीट झारखंड में मोदी जीत रहे हैं, 9 लाख पार हो रहे हैं। देश को अगर बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकता है, देश को भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकता है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं सकेगा। कांग्रेस झामुमो का लोग बोल रहा है कि देश को बर्बाद कर दिए। हाँ, बर्बाद कर दिया, पूरा भ्रष्टाचारी, पूरा रुपया का देख रहे हैं ढेर निकल रहा है, नेतो का बदल निकल रहा है, आलम जी आलम, हेमंत सोरेन, सौ सौ करोड़ आर्मी का जमीन बेचने वाला JMM है, लूटने वाला आर्मी का जमीन, लूटने वाला JMM है और नोट का पहाड़ JMM और कांग्रेस के विधायक और सांसद तो देश क्या बचाएगा? कौन घर बोलिए, कौन घर? अपना घर नहीं बचा पाया, सीतासरण जब इसमें आ गया तो अपना घर नहीं बचा पाया तो देश क्या चलाएंगे, बताइए। अपने रोजगार के मुद्दे पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुद्दे मोदी जी छोड़ के कोई विकल्प नहीं है, सब मुमकिन है। 2014 में मोदी है, मोदी है तो सब मुमकिन है। चाचा कुछ बताइए। हाँ, कहा जाए मोदी ने जितना सुविधा दिया भारतवासियों को उतना अभी तक कोई नहीं दिया है, न दे सकता है। देखिए 420 हो सकता है, 420 होगा, 425 से 420 कुछ एकदम जनता ने देगा भाई, भारत के जनता ने देगा मोदी को, जनता समझदार है। एक भविष्यवाणी क्या है, एक पंडित ने कली कि बोला है कि 222 सीट हम लोग का भारतीय जनता पार्टी लाएगा प्रदेश में, पूरा भारत में, पूरा भारत में 222 वोट लाएगा,
मतलब सीट कंफ्यूज लग रहे हैं। हाँ कंफ्यूज है थोड़ा सा। जय श्री राम। तो देखिए साफ तौर पर जो 300 का अंतर वो पार कर रहे हैं बाकी तमाम लोग और भी कुछ लोग बात करते हैं कि आगे देखिएगा तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कई रंग रूप में लोग पहुंचे और हमारे सामने कई महिलाएं हैं जो पूरी तरह से बीजेपी और कमल छाप की साड़ी ही प्रिंट कराकर पहुंची। इनसे ही बात करते हैं। पूरा अलग रंग रूप में आप लोग हैं। ये साड़ी कहाँ बनवाए? बाजार में। अपना पैसा दे जी। आप दादे? बाजार से खुद से बनवा के आए? भाषण सुन ले पीएम का है मोदी जी के भाषण? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा लगा और काम भी अच्छा कर रहा है वो। बढ़िया काम कर रहा है हम लोग को बहुत पसंद है। तो ये कैसा आइडिया आया कि इस तरह से ड्रेस पहन के जाए? आइडिया आया जो हम लोग ऐसे पहन के जाएंगे तो मोदी जी को अच्छा लगे, परिवार हम लोग के सामने जय नेता को अच्छा लगे और क्या बोलता है पब्लिक को भी अच्छा लगे और हमको पसंद आया हम पहने सब लोग को। मतलब ग्रुप में प्लान हुआ और ग्रुप में मतलब जितना प्लान हुआ हम लोग को पसंद आया हम लोग एक ग्रुप बन के बनवाए। कहाँ प्रिंट कराए आप लोग इसको? बाजार में। वो नाम तो नहीं जानते बाबू। कितना पैसा लग गया? लगा ग्रुप में दिए तो मैंने मिला जुला के एक एक आदमी को 400-300 का पैसे। 400 रुपए खुद से खर्चा कर? जी साड़ी दिए सफेद साड़ी दिए और छपवाए सब लोग खुद से 400-400 रुपए देके खर्चा किए। खुद से सब लोग पैसा लगा के खर्चा किए। हिंदी नहीं जाते जी? हम लोग सब हम लोग बंगाली हैं। कहाँ से आए हैं? बंदरजोड़ी से। बंदरजोड़ी के कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा कितना 3-4 किलोमीटर होगा। हिंदी उस इलाका में लोग नहीं जानते? हाँ जानता है। हम लोग घर में हम लोग समाज में हम लोग बंगला बोलते हैं। हम लोग बंगाली हैं। हम लोग बंगला ही बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मोदी जी कैसे लगते हैं बताइए? बहुत अच्छा लगता है। और जीते और बढ़े आगे हम लोग को लिए बहुत अच्छा है मोदी। कितने लोग आप लोग आए थे इस ड्रेस में? आए हम लोग 20 आदमी। 20 लोग? हम लोग 20 आदमी है। क्या कुछ नया लगा उनके भाषण में? कितना उत्साह है आप लोगों में? उत्साह तो काफी बढ़ गया और भाषण से ही प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ उनका शिकंजा बहुत टाइट रहेगा। अब की जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो भ्रष्टाचारी को जो पैसा रुपया मंत्री मंत्री सब कमाते हैं देश का लूट करके उसके ऊपर बहुत कड़ा प्रहार करेंगे उम्मीद यही रखते हैं। रोजगार के मुद्दे पर कुछ पर पीएम ने नहीं बोला? रोजगार भी उनका ये है कि जैसे बैंक का 10 लाख रुपया मुद्रा लोन था उसको एक्सटेंशन करके 20 लाख रुपया करेंगे ये अपने घोषणा पत्र में भी कहे हुए है। सब हर तबके पर उनका ध्यान केंद्रित है। कितना फायदा होगा दुमका में पीएम की सभा के बाद? लगभग लगभग फायदा ही फायदा समझिए। हाँ इसमें तो हम 90% फायदा समझ रहे हैं पीएम के आने का। कैसा फायदा? मतदान के पक्ष में उनका सीतासोन के पक्ष में वोट गिरने का जो मन बना रहे थे कि दूसरे में देंगे उसमें देंगे अब इनके आने से उनमें जागरूकता बढ़ गया काफी। बढ़ गया पूरा पूरा। क्या नाम हुआ आपका? मृणाल कांत झा। कहाँ के रहने वाले? हम दुमका शहर के रहने वाले हैं। क्या चाचा पूरा एकदम मोदी जी का कटआउट लगा करके आए थे ऐसे देखिए अभी निकल गया निकाल दिए। ठीक निकाल दिए इसको। भाषण कैसा लगा? भाषण बहुत अच्छा लगा। मेरा मोदी जी भाषण में बहुत तगड़ा है। मेरा भाजपा भी बहुत अच्छा। कौन सी चीज अच्छी लगी? एक एक करे कर। भगवान है मोदी जी। कौन सी उनकी बात अच्छी लगी? जिस घोटाला वाले को पकड़ा है वही बात हमको अच्छी। कौन सा घोटाला? ये जो बालू घोटाला पत्थर घोटाला कैला घोटाला ये सब बात हमको अच्छा लगा। कोर्ट में मामला है सर? सब कोर्ट में है लेकिन निकाल नहीं पाए नहीं पाएगा वो लोग। नहीं निकलेगा? नहीं नहीं कभी नहीं। और भी घुसाना है नहीं निकले। और 24 को जब आएगा ना 4 तारीख के बाद और कितना घुसेगा कोई ठिकाना नहीं। अबरी कौन? मोदी सर। मोदी सर का घुसाने का बात कर रहे हैं। जितना घोटाला वाला है उसका नाम पता तो है नहीं। घोटाला ही घोटाला झारखंड में पूरा घोटाला ही घोटाला। कुछ नहीं दिया है। ये बड़ा बड़ा सिर्फ वादा करके आया था 90 दिन के अंदर आएंगे 3000 रुपया करके पेंशन। 15 लाख मोदी जी भी वादा किए थे।
15 लाख मोदी जी भगा दिए। मोदी जी को 15 लाख छोड़िए, मोदी जी जो किए हैं ना वो कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किए हैं, और वो भगवान है, ईश्वर का रूप है, वो भगवान है एकदम। हम तो भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं एकदम भगवान को, जिस हिसाब से मानते हैं मोदी जी को हम उसी हिसाब से मानते हैं। कितना दूर से आए थे इनका भाषण सुनने? हम मेरा घर है जामतला जिला कुंडहित मतलब प्रखंड गर्जुरी का, वहाँ भाषण सुनने। देखिए साफ तौर पर तमाम लोग जो है वो उत्साहित और कह रहे हैं कि जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था पिछले 10 सालों में पूरा कर दिया, और आने वाले दिनों में बाकी बचे जो वादे हैं, अधूरे वादे हैं, उसे पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर 4 जून को परिणाम क्या आता है और किसके सर पर ताज सजता है। द न्यूज पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देता रहेगा, अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट दुमका।